ड्राइंग यू क्लास होप यू ऑल आर फाइन बच्चे आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ जनरल लीनियर रिग्रेशन इससे पहले जितना भी हमने बेटा जितने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है वो सारा आपका uh, मिड का सिलेबस है uh, जिसमें हमने सारा सिंपल लीनियर रिग्रेशन को बहुत डेप्थ में डिटेल में पढ़ा कि उसकी क्या एजम्पन्स होती हैं पैरामीटर्स की एस्टिमेशन कैसे होती हैं प्रोडक्शन कैसे होती हैं और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जनरल लीनियर रिग्रेशन और जो आज से हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं ये समझें कि आपका फाइनल टर्म का मेटीरियल जो है वो uh, हमने स्टार्ट कर दिया अच्छा जी जनरल लीनियर रिग्रेशन बहुत से आप स्टूडेंट्स जो पहले से स्टार्ट से फेमिलियर हैं या रिग्रेशन से फेमिलियर हैं ये टर्म भी जरूर आप लोगों ने सुन रखी होगी सिंपल लीनियर रिग्रेशन की जब आप बात करते हैं तो आपको पता है कि उसमें वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड वन डिपेंडेंट वेरिएबल की बात करते हैं और जब जनरल लीनियर रिग्रेशन या मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन की बात करते हैं तो इट मीनस देयर विल बी मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स तो स्टेटमेंट इसके पढ़ते हैं वेन देयर आर मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स देन इट इज कॉल्ड जनरल और मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन इसको आ, जब हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन का मॉडल लिखते थे तो हम जस्ट क्या लिखते थे वाई आई इक्व टू एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एप्सिलॉन ठीक हो गया अच्छा यहाँ पे आप ये कंफ्यूज नहीं होना कि आई यहाँ पे लिखा है सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में नहीं लिखते थे सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल जो हम लिखते हैं वाई इक्व टू एल्फा प्लस बीटा एक्स एक्चुअली वहां पे भी वाई और एक्स के सब्सक्रिप्ट में आई होता है बट यूजली हमारी प्रैक्टिस में हम क्योंकि हमें पता होता है कि ये वाई सिंगल वैल्यू को शो नहीं कर रहा बल्कि इसमें एन वैल्यूज़ होती हैं इसमें हम लिखते नहीं हैं अदरवाइज उसका इट्स फॉर श्योर कि इसके सब्सक्राइब में आई है और आई में कुछ वैल्यूज होती हैं तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है वाई आई इक्वल टू बीटा नॉट अब यहाँ पे मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन है तो अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स की बजाय हमने सब कोई बीटा से डिनोट कर दिया है और जहाँ हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन में हम अल्फ़ा से डिनोट जिसको करते थे यहाँ पे हम उसको बीटा नॉट कह रहे हैं तो वाई आई इक्व टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स वन आई प्लस बीटा टू एक्स टू आई अप टू सोन प्लस बीटा के एक्स के आई प्लस एप्सलॉन आई आप देखें कि ये बीटा वन और उसके साथ एक्स वन और आई क्या शो कर रहा है कि आई वेरियज फ्रॉम वन टू एन के इसके अंदर टोटल एन वैल्यूज़ होंगी सिमिलरली बीटा टू ये सेकेंड वेरिएबल को शो कर रहा है और इसमें आई जो है वेर, uh, की वेरिएशन क्या होगी फ्राम वन टू एन एंड सिमिलरली इस बीटा के एक्स के साथ भी प्लस एप्सलॉन आई अब इसमें अगर आप नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स देखें तो कितने हैं वन से स्टार्ट हुआ है क्योंकि यहाँ पे तो नहीं है एक्स नहीं है तो ये वन से स्टार्ट हुआ से है एक्स वन से अप टू एक्स के के इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं या के रिग्रेसर्स हैं और अगर आप पैरामीटर्स की बात करें जैसे जब आप सिंपल इन रिग्रेशन पढ़ते हैं तो वाई टू अल्फा अल्फा प्लस बीटा एक्स उसमें हमारे पास दो पैरामीटर्स होते हैं वन इज़ अल्फा एंड सेकेंड वन इज बीटा और जब हम जनरल लीनियर रोकेशन या मल्टीपल लीनियर रोकेशन की बात करते हैं तो हमारे पास आप यहाँ देख रहे हैं कि नंबर ऑफ बीटास कितने हैं अगर आप ये वन से लेकर के तक काउंट करें तो के ये हैं और अगर हम बीटा नॉट को भी शामिल करें तो ये क्या बन जाएंगे के प्लस वन पैरामीटर्स बनेंगे ठीक है इसमें कंफ्यूज आपने नहीं होना अक्सर स्टूडेंट्स ये गलती कर देती हैं इस नॉट को कंसिडर करें तो एक ये पैरामीटर है प्लस ये से लेकर प्लस वन जबकि रिग्रेसर्स रिग्रेसर्स आपके कितने हैं हैं या इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं ठीक हो गया अच्छा जी ये देखिए इसमें लिखा भी है के प्लस वन पैरामीटर के हैं के प्लस वन वेरिएबल्स इन विच हां जी और अगर वेरिएबल्स देखें तो कितने हैं वो भी के प्लस वन है इन विच वन uh, डिपेंडेंट है जिसमें एक हमारे पास डिपेंडेंट है जबकि के जो हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं अच्छा अगर इस ये जो मॉडल लिखा है वाई आई का इसको अगर मैं एक्सप्लेन करके लिखूं क्योंकि हम इसको जब आप जनरल इनियर रिग्रेशन में बेटा मूव करते हैं तो पैरामीटर्स को एस्टिमेट करने के लिए हम मेट्रिज की हेल्प लेते हैं तो वो मेट्रिक का स्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए हम क्या कर रहे हैं एक बार हम इसको लिख रहे हैं कि वाई वन इक्वल्स टू बीटा नॉन प्लस बीटा वन एक्स वन वन प्लस बीटा टू एक्स टू वन प्लस अप टू सो ऑन बीटा के एक्स के वन प्लस एपसलॉन वन फिर सिमिलरली वाई टू के लिए जब लिखा जहां जहां आई था वहां पर आपने क्या कर देना है टू पुट कर देना है आप फिर इसी तरह अप टू सोन वाई एन के लिए बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स वन एन बीटा टू एक्स टू एन टू सोन बीटा के एक्स के एन और एप्सिलॉन एन आ जाएगा आपके पास ठीक हो गया ये एन लिखा है बटा थ्री नहीं है तो ये आपने क्या किया एक हमने जनरल सी फॉर्म बना ली है आप देखते हैं अगर हमने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं इसको हम आ, आपने ये भी जरूर अगर आपने नाइन टेंथ लेवल पे ऑब्वियसली मैथ्स पढ़ा है तो ये स्ट्रक्चर्स आपको बिल्ड करने आते होंगे कि अगर आपके पास इक्वेशंस लिखी है तो आप उसको मैट्रिक्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे देखें तो वाई वन से लेकर अप टू वाई एन ये आपके पास एक कॉलम जो है वो वैक्टर बनेगा कॉलम मैट्रिक्स बनेगी कॉलम मैट्रिक्स जिसमें एक सिंगल कॉलम है ये देखें वाई वन अप टू वाई एन हो गया फिर इक्वल आप इक्वल की इस तरफ हमने इस तरह से ये फॉर्मेशन को मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है कि अगर हम ये मेट्रिस को दोबारा से मल्टीप्लाई करें तो ये यही फॉर्म बन जाए ठीक है क्लियर है कि ये चीज़ हम इस तरह से फॉर्मेट कर रहे हैं कि जब इसको ओपन करके इक्वेजन्स बनाएंगे तो वापस यही इक्वेजन्स हमें मिलेंगी तो आप देखें कि हमने क्या किया आ, बीटास आप अलग कर लेंगे बीटास अलग से मल्टीप्लाई होंगे और इसके साथ एक्स वन हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स रिग्रेसर की एक मैट्रिक्स बनाएंगे तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे रिग्रेसर जो है आपके पास बीटा नॉट जब आप कॉमन उठा लेंगे तो यहाँ पे क्या रह जाएगा जस्ट वन 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 रह जाएगा तो यहाँ हमने क्या किया वन वन अपू सोन वन लिख दिया अब सेकेंड रो में देखें बीटा वन आपने उठा लिया बीटा वन जब यहाँ पे आ गया तो पीछे क्या रह जाएगा एक्स वन वन एक्स वन टू और एक्स वन एन अच्छा ये क्वेश्चन ना भी लिखी हो तो आप बड़ी आसानी से ये जो रिग्रेसर्स की मैट्रिक्स है ये लिख सकते हैं पहला जो वो जो इंटरसेप्ट वाला है वहाँ पे हर जगह वन आ जाएगा उसके बाद क्योंकि ये पहला आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वन इसको शो कर रहा है ये देखें एक्स वन एक्स वन और जो दूसरा सब्सक्रिप्ट है वो शो कर रहा है इसके अंदर वेरिएशन को जिसको आप एक्स वन आई आपने यहाँ पे मैंशन किया था एक्स वन आई आप कह रहे थे ना तो वन शो कर रहा है पहला रिग्रेसर उसमें आई वेरिएशन दूसरा रिग्रेसर उसमें आई वेरिएशन के रिग्रेसर उसमें आई वेरिएशन तो उसको अगर हम इसमें मैट फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे यहां पे पहला ये गलती नहीं करने कि यहां टू वन टू वन का लिखेंगे तो इट मीन यू आर टॉकिंग अबाउट द रिग्रेसर तो फर्स्ट आपने जो पहला सिंबल है है वो नंबर ऑफ रिग्रेसर को शो कर रहा है और जो दूसरा आपका सब्सक्रिप्ट है वो नंबर ऑफ जो वैल्यूज हैं उस रिग्रेसर में कि कितनी नंबर ऑफ वैल्यूज उस रिग्रेसर में हैं तो वन से लेकर एन वैल्यूज है वो मेंशन की फिर सेकंड रिग्रेसर एक्स टू एक्स टू वन एक्स टू टू एक्स टू एन और फिर सोन और एस एक्स के वन एक्स के टू अपू सोन एक्स के एन ठीक हो गया ये मैट्रिक्स और अब ये जो इसके साथ बीटास जो मल्टीप्लाई हुए होंगे उनकी हमने एक अलग मैट्रिक्स बनाई है जिसमें सबसे पहले बीटा नॉट बीटा वन अप टू बीटा अच्छा यहाँ पे थोड़ा बेटा गलती से एन लिखा गया यहाँ पे बीटा के आएगा ठीक है बीटा नॉट बीटा वन अप टू बीटा के फिर रिपीट कर रही हूँ इसको ठीक कर लीजिएगा ये बीटा एन आपको नज़र आ रहा है ये बीटा एन नहीं है बल्कि बीटा के है प्लस आपके पास और क्या था यहाँ पे हमारे पास एप्सलॉन्स हैं तो ये प्लस कैसे ये? हमने कुछ भी नहीं किया हैं इसको देखते हुए हमने मैट्रिक्स में इसको कन्वर्ट किया है तो जो लेफ्ट पे हमारे पास था वाई वन वाई टू आपके पास कॉलम मैट्रिक्स था कॉलम मेट्र था उसको हमने मेट्रिक फॉर्म में लिखा फिर हमने ये जो मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में आपके पास एक थी इसको हमने सपरेट किया मैट्रिक्स में एक आपकी रिग्रेसर्स की

तो हमने क्या किया है इसको कन्वर्ट कर दिया है मैट्रिक्स फॉर्म में अच्छा अब मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट किया पहले हमने उसको फॉर्म में इक्वेशंस को कन्वर्ट किया अब हम इसको एक शॉर्ट फॉर्म दे रहे हैं ताकि इस फॉर्म को हम आगे यूज कर सकें अब मैंने y के नीचे अगर आपको नजर आ रहा होगा वाई डैश इक्वल टू एक्स बीटा डैश प्लस डैश अब ये डैश क्या शो कर रही हैं डैश शो करती है बेटा वेक्टर को ठीक है डैश शो करती है वेक्टर को याद रखिएगा क्योंकि ये देखें कॉलम मैट्रिक्स हो या एक कॉलम वेक्टर हो एक वेक्टर हो ये इसको शो कर रहा है क्योंकि जिसमें एक रो एक कॉलम हो उसको आप वेक्टर कहते हैं ठीक है तो वेक्टर का मतलब होता है कि उसमें एक वैल्यू नहीं होगी Uh, आपको अगर थोड़ा बहुत किसी को फिजिक्स से आइडिया हो तो आपने स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा होगा कि स्केलर क्या होता है स्केलर इज जस्ट अ सिंगल क्वांटिटी एंड इज कांस्टेंट क्वांटिटी स्केलर वैल्यू आप किसे कहते हैं जो एक कांस्टेंट क्वांटिटी uh, होती है उसको आप स्केलर भी कहते हैं जिसका मतलब होता है कि एक सिंगल आंसर जबकि वैक्टर का मतलब होता है कि इट्स नॉट अ सिंगल वैल्यू बट इट्स मोर देन वन वैल्यूज तो ये वेक्टर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है आप देखें वाई डैश का मतलब क्या है कि वाई के अंदर डिफरेंट वैल्यूज हैं और वो आपको पता है वाई वन से लेकर वाई एन है तो अब कैसे पता चलेगा कि एन वैल्यूज हैं उसका साथ में हमने ऑर्डर भी शो कर दिया है ठीक है अब इस मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर देखें तो क्या है इसमें एन रोज हैं क्रॉस वन वन का क्या मतलब है वन कॉलम है तो आप वेक्टर कहें या कॉलम मैट्रिक्स कहें तो कॉलम मैट्रिक्स है एन रोज विद वन कॉलम ठीक हो गया फिर मैंने एक्स लिखा है ठीक है कैपिटल एक्स लिखा है फिर मैंने बीटा के नीचे वेक्टर डाला है क्योंकि अगर ये भी देखें तो ये भी वेक्टर है ये कॉलम मैट्रिक्स है ये भी कॉलम मैट्रिक्स है तो इसलिए बीटा के नीचे भी डैश डाली है प्लस एप्सिलॉन के नीचे भी डैश डाली है इसका मैं बाद में डिस्कस करती हूँ ऑर्डर पहले बीटा का ऑर्डर देखें तो बीटा का ऑर्डर देखें जीरो से स्टार्ट होकर के, के तक फिर रिमाइंड करवा रही हूं ये बीटा एन नहीं है बीटा के है गलती से यहाँ पे एन लिखा गया अच्छा ये के तक जाएंगे तो के वन से लेकर के तक के हो गए प्लस ये नॉर्ड वाले को एक ऐड करें तो के प्लस वन इसमें कितने पैरामीटर के प्लस वन क्रॉस वन क्योंकि ये हैं और इसमें कॉलम है इसलिए इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा के प्लस वन इंटू वन उसके बाद अगर आप एप्सिलॉन वाले के वाले का जो मैट्रिक्स है या वेक्टर है कॉलम मैट्रिक्स का ऑर्डर देखें तो वो कितना है वन से लेकर एन तक जा रहा है एन रोज क्रॉस वन के वन कॉलम है अब इस पे हम आ जाते हैं अगर आप इस पे देखें तो आपके पास रोज कितनी है बेटा वन uh, से लेकर अगर आप चेक करें ये रोज को बता रहा है टू 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 अप अप तो बेटा आपके पास प्लस अगर आप यहां से देखें वन टू अप टू के के तो सिर्फ ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं कॉलम्स हैं ठीक है, है के कॉलम्स ये शो कर रहे हैं और एक ये वाला कॉलम भी है जिसमें वन वन है तो ये कितना हो जाएगा के प्लस वन एन इंटू के प्लस वन एन रोज एंड वी हैव के प्लस वन कॉलम्स और आपको पता है मल्टीप्लीकेशन के लिए जो नंबर पहले के नंबर ऑफ रोज दूसरे के नंबर ऑफ कॉलम्स के जो है सॉरी दूसरे के नंबर पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए तो इसके नंबर ऑफ कॉलम्स कितने के प्लस वन और इसकी रोज कितनी है के प्लस वन तो ऑर्डर मैच करता है तभी मल्टीप्लिकेशन जो है ना वो पॉसिबल होती है आपको पता है ना कि मल्टीप्लिकेशन के लिए मेट्रिक के कुछ रूल्स होते हैं और उस रूल्स में है कि वो आप सिर्फ जो पॉसिबिलिटी है मेट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन की वो है जब पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हों दूसरे के नंबर ऑफ रोज के तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि ये वाकई ये चीज़ हमारी जो है जस्टिफाई हो रही है कि इसका क्या है एन क्रॉस के प्लस वन इन टू इस क्या है के प्लस वन इन टू वन और ये है एन क्रॉस वन ये ऑर्डर पे मैं क्यों इतना बेटा इसको टाइम लगा के आपको समझा रही हूँ क्योंकि ये आगे ऑर्डर बहुत ज़्यादा मैटर करेगा ये बार बार यूज होगा और अगर ये ऑर्डर आपने अच्छे से समझा होगा तो फिर आप नेक्स्ट चीज़ें बड़ी आसानी से समझ सकते हैं तो वाई जो मैट्रिक्स है वाई जो, है, है, जो, जो, है, है, one, जो वेक्टर है उसका ऑर्डर एन क्रॉस वन है one one, जो एक्स आपकी रिग्रेसर्स की जो आपके मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है एन क्रॉस के प्लस वन जो बीटा वैक्टर है उसका ऑर्डर है के प्लस वन क्रॉस वन और एप्सलॉन जो मैट्रिक्स है कॉलम वेक्टर है उसका मैट्रिक्स ऑर्डर क्या है एन क्रॉस वन ठीक हो गया अच्छा नेक्स्ट अब हमारे पास ये एक जनरल स्ट्रक्चर था जनरल लीनियर रिग्रेशन मॉडल का कि मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उसमें रिग्रेसर्स कितने हैं उसमें पैरामीटर्स कितने हैं और उसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं ठीक हो गया अच्छा नाउ एजम्पन्स ऑफ ओएलएस मेथड या क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन जो मॉडल होता है उसकी एजम्पन्स क्या है अच्छा ओएलएस मेथड को क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मेथड भी कहते हैं सी एल आर 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 एम पड़ा होगा सी एल आर एम क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल अच्छा ये एजेंशन आपने अगर देखा हो तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन में भी पड़ी वही की वही एजन हैं जस्ट इसमें नोटेशंस का फर्क आ गया है क्योंकि उसमें जो है वो एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक है और इसमें मोर देन वन है हाँ एक एजम्पन इसमें बढ़ेगी क्योंकि उसमें जस्ट हम लिखते हैं कि एक्स आर फिक्स वेरिएबल्स जबकि हम इसकी दूसरी एजम्प्शन नहीं ले रहे होते कि जो इंडिपेंडेंट uh, वेरिएबल्स एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो आपस में अनको होते हैं क्यों क्योंकि सिंपल लीनियर रिग्रेशन में वी ओनली हैव वन इंडिपेंडेंट uh, वेरिएबल इसलिए हमें ये एजम्पन लेने की ज़रूरत नहीं है लेकिन जब आप जनरल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की बात कर रहे होते हैं तो उसमें एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं इसलिए आप ये वाली एजम्पन्स भी रख एजम्पन रखते हैं ऐड करते हैं तो सबसे पहले एक्स आर फिक्सड ये सिंपल लीनियर रिग्रेशन में भी यही था और फिक्सड uh, वेरिएबल मैंने सिंपल लीनियर रिग्रेशन में भी एक्सप्लेन किया था कि वेरिएबल्स हुज आर सेलेक्टेड बाई एक्सपेरिमेंटर आर कॉल्ड फिक्सड वेरिएबल्स यहाँ पे फिक्स टिका हुआ है फिक्स वेरिएबल्स एंड इफ देयर वैल्यूज कम बाय रैंडम एक्सपेरिमेंट दे आर कॉल्ड रैंडम यहाँ पे अगर मिसिंग है तो ये वर्ड रैंडम लिखा हुआ है और यहाँ पे uh, जो है वो फिक्स लिखा हुआ है ठीक है तो अगर तो आप एक्सपेरिमेंटर uh, जो uh, जो आर सेलेक्टेड बाय वो एक्सपेरिमेंटर जो वैल्यूज सेलेक्ट करता है खुद से वो फिक्स्ड वेरिएबल होता है और जो आप रैंडम एक्सपेरिमेंट के नतीजे में वैल्यूज हमें मिलती हैं वो रैंडम होता है तो एक्स और फिक्स वेरिएबल्स का मतलब क्या है कि एक्सपेरिमेंटर जो है वो वैल्यूज लेता है यही वो एज्शन जिसके बारे में मैं बता रही थी जो सिंपल लीनियर रिग्रेशन में हमने नहीं एज्यूम किया था इसलिए नहीं किया था क्योंकि वहां पर सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल था लेकिन यहाँ पे हमारे पास मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है दैट्स वी आर आर दैट एक्स अनकोरिलेटेड और लीनियरली इंडिपेंडेंट आप याद रखिएगा मैंने शायद आपको जब सिंपल लीनियर रिग्रेशन के एजाम्पन्स भी पढ़ा रही थी तो आपको मैंने बताया था कि ये वो एजम्पन्स हैं जो आगे जाके कहीं ना कहीं किसी स्टेज पे वायलेट होंगी और हमने देखना है कि प्रैक्टिकल practical, और प्रैक्टिकली जब आप डेटा को डील कर रहे होते हैं तो ये इजम्पन सारे की सारी फुलफिल हो जाए ये कभी भी पॉसिबल नहीं होता और आप देखेंगे कि जब ये होती हैं तो डिफरेंट ब्रांचेस होंगी और उनको हम बारी बारी जो है स्टडी करेंगे कि अगर फला -फला जो है अगर वॉयलेट हो रही है तो उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है इसलिए बहुत अच्छे से गौर से इन आपकी टिप्स भी होनी चाहिए कि एक method, जो आप अप्लाई करते हैं उसकी एजम्पन्स क्या हैं तो सेकंड वन इज एक्स आर अनकोरिलटेड और लीनियर इंडिपेंडेंट दैट इज क्या देयर इज नो लिनियर रिलेशनशिप बिटवीन एक्स वैल्यूज ठीक हो गया आ, अच्छा एक तो है ना कि एक्स की वैल्यूज के अंदर और एक आपके पास ये जमशन है कि बिटवीन टू डिफरेंट एक्स जो है वो भी अनकोरिलेटेड होंगे एक्स आर अनकोरिलेटेड और एक ये भी है कि उसकी जो आपस की इनसाइड वैल्यूज हैं वो भी इंडिपेंडेंट होंगी अच्छा थर्ड अजम्पशन हमारे पास क्या है एरर की ये सिमिलर वही है एक्सपेक्टेड वैल्यू एप्सिलॉन आई जीरो वेरिएंस एप्सिलॉन आई सिग्मा स्क्वायर कोवेरियंस टर्म जो है वो जीरो है अह फोर्थ वन इज मॉडल इज करेक्टली स्पेसिफाइड मॉडल इज करेक्टली स्पेसिफाइड का मतलब क्या होता है अच्छा अब ये भी जो है मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में ये हम लिखते हैं लेकिन ये अजम्पशन हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन में नहीं लिखते क्यों क्योंकि उसमें जब आपने एक ही वेरिएबल डाला है तो ऑब्वियसली उसमें ओमिशन और इग्नोरेंस और ऐड करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप एक ही वेरिएबल ले रहे हैं तो मॉडल इज करेक्टली स्पेसिफाइड का मतलब है नो रेलिवेंट हैज़ बीन ओमिटेड और इग्नोर्ड मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन है हम एक से ज्यादा दो से ज़्यादा तीन से चार फॉर एग्जाम्पल आपने वेरिएबल्स ले लिए हैं तो ये कह रहा है कि मॉडल करेक्टली स्पेसिफाई हो ऐसा ना हो आपने वो चार वेरिएबल्स ले रहे हो जो कि मतलब रेलिवेंट वेरिएबल्स आपने इग्नोर कर दी हो जो इर रेलिवेंट वेरिएबल्स हैं वो आपने इंक्लूड कर दी हों तो उसका सेकेंड पार्ट ये है कि नो इलेवेंट वेरिएबल्स हैज़ बीन इंक्लूडेड और नो रेलिवेंट वेरिएबल्स हैज़ बीन नोमिटेड और इग्नोर्ड तो आपने ये बहुत ख्याल रखना है कि ये तो आपके पास जनरल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में चॉइस होती है कि आप एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल रखें लेकिन इसमें यह बहुत ध्यान रखने की बात है कि आपका जो इग्नोर करने वाला वेरिएबल है वो ऐड ना हो जाए और जो रेलिवेंट वेरिएबल है रेलिवेंट uh, वेरिएबल uh, इग्नोर ना हो जाए और जो इ वेरिएबल है वो इंक्लूड नहीं होना चाहिए ठीक हो गया आपने आपनेजम्पन्स ऑफलेस मैथड देख लिया आप भेजी भैजी ऑफ एम एल ई कुछ एक दो ही एजम्पन एजम्पन डिफरेंट नजर आई होगी नेक्स्ट हम एजम्शन ऑफ एम एल ई देखते हैं एम एल ई की भी सेम एक्स आर फिक्स वेरिएबल एक्स आर अनकोरलेटेड और लीनियरली इंडिपेंडेंट थर्ड जो है एरर्स की वही एजम्पन हैं फोर्थ मॉडल इज करेक्टली स्पेसिफाइड और करेक्टली स्पेसिफाइड मैंने आपको बता दिया क्या होता है और जी इसकी फिफ्थ वन है आपकी फिफ्थ आई गए हाँ जी फिफ्थ वन इज आपको याद होगा जब आपने सिंपल लीनियर रिग्रेशन भी पढ़ा था तो ओल एस मैथड और जो आपका एम एल ई मेथड था उसकी लास्ट की एजम्प्शन में बस डिफरेंस था और वह डिफरेंस यही है कि इसमें आप ये भी एज्यूम करते हैं कि एरर जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है तो थर्ड प्लस फिफ्थ को मिला के क्या मतलब हुआ एप्सलॉन आइज जो है फॉलो नॉर्मल इंडिपेंडेंट आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूशन विद जीरो मीन एंड वेरियंस सिगमा स्किल ये अभी हमने जो एजम्पन्स लिखी हैं ये एजम्पन्स हमने जनरल लीनियर एक्शन फॉर्म में के लिए लिखी हैं बट मेट्रिक फॉर्म में ये एजम्पन्स नहीं लिखी ठीक है मतलब ये सिंपल जैसे वो इक्वेशंस फॉर्म में ये लिखा हुआ था ये जो मॉडल था इस तरह का ये जो मॉडल है इस तरह के इसके लिए हमने ये एजम्पन्स लिखी हैं लेकिन मैं कह रही हूँ अगर मैंने मेट्रिस फॉर्म में इसको शॉर्ट मॉडल बनाया है ये मेट्रिस फॉर्म में शॉर्ट मॉडल है और अगर आप ये वाला देखें तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म में ये मॉडल आपने लिखा हुआ है ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है एक्सपेंशन है इसी जनरल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की और ये इसकी शॉर्टर फॉर्म है जब आप इसको मैट्रिक्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं ये जब भी आपको ये नजर आएगा तो आपको समझ आना रहना चाहिए कि ये मॉडल की रिप्रेजेंटेशन है इन मैट्रिक्स फॉर्म ज़रूरी नहीं है कि आपको बनी हुई नजर आएंगी बल्कि जब ये नीचे डैश है साइन है तो आपको ये पता चल जाना चाहिए कि ये मॉडल जो है वो मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया तो अगर सिंपल मॉडल के एक्सपेंशन फॉर्म में हो तो उसकी एज्पशन जे हैं और अगर यही मॉडल आपके पास मैट्रिक्स फॉर्म में हो तो एक्जम्पन चेंज होगी कोई नोटेशन एजम्पन्स को इतना ही चेंज नहीं आएगा देख लेते हैं एजम्पन और मैट्रिक्स मैट्रिक अब जहाँ पे आप पहले कह रहे थे कि एक्स आर फिक्स्ड वेरिएबल आप आप कह रहे हैं कि मैट्रिक्स एक्स अच्छा ये बात याद रखिएगा यहाँ पे एक आपका क्वेश्चन शायद पता नहीं मैंने इसको एक्सप्लेन किया है या नहीं किया दोबारा से देख लेते हैं ये वाई वैक्टर ये ये पूरे मैट्रिक्स को, <coughs> को हमने कहा है कि ये पूरा मैट्रिक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं है है हम वाई से ये जो पूरा रिग्रेसर्स का मैट्रिक्स लिखा हुआ है उसको हमने कैपिटल एक्स से रिप्रेजेंट किया ये जो बीटा का मैट्रिक्स लिखा हुआ है हमने इसको बीटा नॉट बीटा वन का इसको बीटा से रिप्रेजेंट किया और ये जो एप्सलॉन्स का मैट्रिक्स है इसको हमने एप्सलॉन डैश से रिप्रेजेंट किया तो यहाँ पे आप एजम्पन हम आप किस पे ले रहे हैं कि ये जो आपकी एक्स मैट्रिक्स है ये क्या है एक्स मैट्रिक्स मैट्रिस कंटेन्स द वैल्यूज ऑफ फिक्सड वेरिएबल्स यही एजम्शन आपने उसमें भी सिंपल पड़ी सिर्फ मैट्रिक्स एक्स का वर्ड जो है इंक्लूड हो गया अच्छा उसमें आप आप क्या कहते हैं आप कहते हैं कि एक्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट है या अनकोरलेटेड है जबकि मैट्रिक्स फॉर्म में जब आप यही एग्जाम्शन लिखेंगे तो आप कहेंगे कि एक्स इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स अगर आपको मेट्रिसिस की प्रॉपर्टीज पता हैं तो मैट्रिक्स में आपको पता है कि अगर हम कोर का क्या मतलब ले रहे हैं कि दोनों ऑलमोस्ट कोर कर रहे हैं एक जैसे हैं अगर दो मेट्रिसिस कोर कर जाएं सॉरी uh, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कोर कर जाएं तो आप uh, कॉमन लेके जब कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा एक रो आपकी ये दोनों में से जब कॉमन लेंगे तो एक रो वन 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 कॉमन आ जाएगा कॉमन लेने के बाद क्या होता है वो मैट्रिक्स सिंगुलर बन जाती है ये शायद आपको सिंगुलर मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट होगा कि सिंगुलर मैट्रिक्स वो होती है कि जब जब आप जो है आपके पास जीरो आ जाए उसका जो आप वो लेते हैं मॉडल्स जब लेते हैं तो वो आपका जीरो आ जाए तो हमने क्या कहा है कि एक्स इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स फुल रैंक मैट्रिक्स है फुल रैंक मैट्रिक्स का क्या मतलब है रैंक एक्स आपको पता है ना कि रैंक कितना कैसे होता है जो उसकी जो आपके पास टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो कितने हैं आपके पास के प्लस वन तो रैंक एक्स का क्या मतलब है रैंक एक्स के प्लस वन आना चाहिए नॉन सिंगलर का ये मतलब है जिस मैट्रिक्स का हुज वन रो और कॉलम इज ज़ीरो वो सिंगलर हो जाती है अगर इसकी कोई भी रो और कॉलम जो है वो ज़ीरो हो जाए तो वो क्या हो जाती है सिंगलर हो जाती है क्योंकि जब आप उस मैट्रिक्स का जो है वो एक रो या कॉलम जीरो हो जाएगा तो जब आप उसका एड लेंगे ठीक है जब एड ज्वाइंट लेंगे तो वो सारा आंसर जीरो हो जाएगा तो उसकी वजह से ये मैट्रिक्स क्या हो जाती है सिंगलर हो जाती है तो हम कह रहे हैं कि एक हमारी एज्पन क्या है कि एक्सिस नॉन सिंगलर मैट्रिक्स दैट इज़ फुल रैंक मैट्रिक्स और रैंक आप कैसे लेते हैं रैंक एक्स इक्व टू के प्लस वन अब अगर बहुत से स्टूडेंट्स ऑब्वियसली ये अगर नाइन टेंथ का मैथ्स पढ़ा है तो आपको सिंगलर मैट्रिक्स का भी पता होगा रैंक कैसे डिफाइन करते हैं जितने टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स हैं इसका भी अंदाज़ा होगा अच्छा वहां पे हमने क्या लिखा कि एजम्पन जो एरर पे थी वो मैंने कैसे लिखी एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स एप्सलॉन आई वेरियंस एप्सलॉन आई को वेरियंस एप्सलॉन आई एप्सॉन जे लेकिन जब आप मेट्रिस फॉर्म में शो कर रहे हैं एजम्पन तो अब आपने ये जो मैट्रिक्स है जिसको आपने एप्सलॉन डैश वैक्टर से शो किया है इसके ऊपर एक्जाम्पन ले रहे हैं तो मैंने एक्सपेक्टेड वैल्यू पूरी इस मैट्रिक्स के ऊपर अप्लाई की तो मैंने अगर देखें तो सिंपल जीरो नहीं लिखा बल्कि मैंने क्या लिखा है जीरो डैश जीरो डैश क्या है वेक्टर हुज ईच एंट्री इज जीरो मीन्स के इसका ये मतलब है कि आप एक्सपेक्टेड वैल्यू एप्सलॉन वन लें एक्सपेक्टेड वैल्यू एफ्सलॉन टू लें या वन एक्सपेक्टेड वैल्यू एप्सलॉन एन लें सबका आंसर जीरो है लेकिन नोटेशन का फर्क है यही चीज जब आपने एक्सपेंशन फॉर्म में लिखी तो आपने क्या एक्सपेक्टेड वैल्यू है इसका भी यही मतलब वैल्यू एप्स ऑन वन इक्वस टू जीरो एक्सपेक्टेड वैल्यू एप्सन ऑन टू इक्वस टू तो जीरो लेकिन जब आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं तो नोटेशन का फर्क आ जाता है और वो नोटेशन कैसे है कि आप इसको डैश मीनस वैक्टर से शो करेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू एप्सन डैश डेक्व टू जीरो डैश मीन जीरो वैक्टर ठीक है और दूसरी एजाम्शन इसकी क्या है जी जो कोवेरियंस पे लगाते हैं वैल्यू डैश डैश ट्रांसपोज टू सिग्मा आई एन ठीक हो गया अच्छा आप एक चीज याद रखिएगा कि मैंने यहां पे सिग्मा स्केयर सिंपल क्यों नहीं लिखा और आई एन आई एन का जरूर ये भी आपको आइडिया होगा आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और एन शो कर रहा है कि ये एन ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है अच्छा याद रखिएगा कि एप्सलॉन और इंटू एप्सलॉन ट्रांसपोज जब आप ट्रांसपोज को बाद में मल्टीप्लाई करते हैं मतलब आप राइट साइड पे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमेशा वेक्टर क्वांटिटी आता है और अगर इसी को मैं लिख दूँ एप्सलॉन डैश इंटू एप्सलॉन मतलब एप्सलॉन ट्रांसपोज इंटू एप्सलॉन लिख दूं तो ये स्केलर आएगा ये चीज़ें शायद अभी आपको इतनी क्लियर ना हो लेकिन आगे जाके ये इतना फ्रीक्वेंट यूज़ होंगी कि आपको ये चीज़ें बड़ी अच्छे से मेमोराइज हो जाएंगी लेकिन कॉन्सेप्ट अपना बैठाएं आप कि एप्सलॉन इनटू एप्सलॉन ट्रांसपोज करेंगे तो आपके पास हमेशा वेक्टर आता है और अगर एप्सलॉन ट्रांसपोज इंटू एप्सलॉन करेंगे तो आपके पास हमेशा स्केलर क्वांटिटी आएगी ठीक हो गया अच्छा एप्सलॉन एन टू एप्सलॉन डैश इज वैक्टर क्वानिटी सो फॉर दिस वी मल्टीप्लाई कॉलम वैक्टर इंटू रो वैक्टर मतलब आपने क्या किया है ये इसके साथ आई एन इसलिए लिखा है कि एस सिग्मा स्केयर एक स्केलर क्वांटिटी है तो वेक्टर का रिजल्ट कभी भी स्केलर नहीं हो सकता उसका प्रूफ मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ कि मैंने ये यहाँ पे ये ये जो रिजल्ट लिखा है इसको देखें हमने ये डिड्यूस कैसे किया है आपके पास क्या था एप्सिलॉन डैश इंटू एप्सिलॉन ट्रांसपोज डैश एफ्सलॉन का आपको अब आप मैंने कहा था कि आपको ऑर्डर याद होना बहुत ज़रूरी है तो इसका ऑर्डर क्या था एन क्रॉस वन और जब आप ट्रांसपोज लेंगे तो आपको पता है रो इनटू कॉलम रो कॉलम बन जाता है कॉलम रोज बन जाती है तो इसका ऑर्डर क्या हो गया वन क्रॉस एन तो अब ये देखिए कि मल्टीप्लीकेशन क्या पॉसिबल है मल्टीप्लीकेशन के लिए पहले के कॉलम दूसरे के रो की इक्वल है इसलिए हम इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं अच्छा एक और स्टूडेंट्स को बहुत चीज़ कंफ्यूज करती है हमें क्या पता कि ये मल्टीप्लाई हो के इसका जो फाइनल ऑर्डर बनेगा वो कैसे होगा याद रखिएगा मल्टीप्लीकेशन की पॉसिबिलिटी के लिए हमेशा आप सेंटर देखते हैं ये सेंटर सेम होना चाहिए और जो फाइनल मैट्रिक्स आती है हमेशा उसका ऑर्डर क्या होता है ये जो दोनों एंड्स हैं ये जैसे एन क्रॉस एन की मैटर ये मल्टीप्लाई होकर आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो फाइनल मैट्रिक्स एन क्रॉस एन का आएगा अभी हम देख लेते हैं क्या ये वाकई एन क्रॉस एन आएगा तो आपके पास एक है जी एन क्रॉस वन एन क्रॉस वन का क्या मतलब है एन रोज तो आपने इसको इस तरह से वर्टिकल फॉर्म में लिखना है एप्सलॉन वन एफ्सलॉन टू अपू एपलॉन एन और दूसरा वन क्रॉस एन वन क्रॉस एन का मतलब है वन रो और एन कॉलम्स तो इसलिए हमने इसको हॉजेंटल फॉर्म में लिखा है दैट इज अप टू ये जस्ट जिससे स्टूडेंट घबरा जाते हैं अदरवाइज इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है एन क्रॉस वन और क्रॉस एन को आपको लिखना आना चाहिए और अगर गलती से भी आपने गलत लिख दिया तो ये कम्पेटेबल नहीं होगा मल्टीप्लीकेशन और जब कम्पेटेबल नहीं होगा तो आपकी मल्टीप्लीकेशन सारा कुछ गलत हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन होगी नहीं आप देखिए एप्सलॉन एन टू एप्सलॉन डैश ट्रांसपोज को जब आपने मल्टीप्लाई किया ये देखें पहला ये आप एप्सलॉन

ये आपने लिख ली अब आप देख रहे हैं कि कैसे एक क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी में जो है वो कन्वर्ट हुई है कि ये अब आप आपके पास एन क्रॉस एन का जो है वो मैट्रिक्स आ गया मतलब सिंगल वैल्यू नहीं है आ, अच्छा इसको आप देखें सॉरी अच्छा अब इसमें देखें अब अभी तक ये जस्ट मैंने मल्टीप्लाई कर दिया आप आपने एक्सपेक्टेशन अप्लाई किया है एक्सपेक्टेशन ईच एंड एवरी वैल्यू पे अप्लाई होगी जब आपने अप्लाई की तो ये जो स्केयर्स टर्म्स हैं जो डायगनल पे हैं इन सब का आंसर क्या आ जाएगा सिग्मा स्केयर क्योंकि आपको पता है जमशन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एप्सलॉन जो होती है वो सिग्मा केयर होती है और जो को ये भी आपकी है कि वो जीरो होती है तो अबव एंड बिलो डायगनल ये सारा जीरो हो जाएगा और डायगनल पे ये क्या आ जाएगा सिग्मा स्केर आ जाएगा ये रीजन दिया है कि आपको पता है कि ये सिग्मा केयर की इक्वल होता है अच्छा अब अगर आप इसमें से सिग्मा स्केर कॉमन लें तो ये क्या बनेगा डायगनल पे आ जाएगा वन 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 और अब और बिलो जीरो आ जाएगा तो आपको पता है ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को शो करता है तो मैंने क्या लिखा एक्सपेक्टेड वैल्यू एप्सिलॉन एप्सिलॉन इनटू इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर आई अच्छा ट्रांसफॉर इन नहीं लिखा अच्छी प्रैक्टिस यही होती है कि आप लिखें ताकि आपको पता चलेगा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो है लेकिन उसका ऑर्डर कितना एन है तो अब आपको समझ आ गया होगा कि मैंने यहाँ पे सिंगल सिग्मा केयर क्यों नहीं लिखा क्योंकि सिंगल सिग्मा स्केर का तो मतलब होगा कि ये वैल्यू जस्ट एक सिंगल क्वांटिटी की इक्वल है ये सिग्मा केयर जबकि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन ट्रांसपोज एक सिंगल क्वांटिटी की इक्वल नहीं आई बल्कि पूरा मैट्रिक्स का एक आपके पास आंसर आया है ठीक हो गया एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे साथ साथ ये भी क्लियर करते आई होप सो ये सारा सीखने के बाद आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा लेकिन और चीज़ डिफाइन कर दूँ अगर आप इसको लिखते हैं एक्सपेक्टिव वैल्यू ऑफ़ एप्सिलॉन डैश इंटू एप्सिलॉन डैश इंटू एप्सिलॉन ट्रांसपोज डैश इक्व टू सिग्मा स्क्वायर तो ये क्रॉस है ये रॉन्ग है क्यों क्रॉस है रीजन अभी बता देती हूँ जैसे ये भी लिखा है इसको अगर आप सिंपल सिग्मा स्क्वायर लिखेंगे तो ये समझें कि बहुत बड़ी गलती है ये गलत चीज़ आपने लिखी है फॉरन एग्जामिनर या जो आपका ये पढ़ा होगा उसे पता चल जाएगा कि स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट नहीं है सेकेंड एक और मिस्टेक अगर आप एक्सपेक्टेड वैल्यू ये जो एक्सपेंशन फॉर्म में आप एप्सिलॉन आई स्क्वायर यूज़ करते हैं आई को अगर सिग्मा आई लिख देंगे तो ये भी गलत है क्यों गलत है ये रीजन मैं आपको पहले भी दे चुकी हूं लेकिन फिर हम मैं एक्सप्लेन करती हूँ फर्स्ट इज रॉन्ग बिकॉज मल्टीप्लीकेशन ऑफ वैक्टर्स कैन नॉट बी इक्वल टू स्केलर सिग्मा केयर स्केलर है स्केलर का मतलब होता है सिंगल क्वांटिटी सिंगल क्वांटिटी या कॉन्स्टेंट ठीक है सिग्मा केयर सिंगल क्वानिटी मतलब सिग्मा केयर वेरिएशन आप फाइंड करें एक सिंगल आंसर आएगा तो ये सिंगल को शो कर रहा है जबकि ये आपके पास वैक्टर्स हैं और वैक्टर्स कैन नॉट मल्टीप्लीकेशन ऑफ वैक्टर्स कैन नॉट बी इक्वल टू स्केलर क्वांटिटी ठीक है तो आपको यहां सिग्मा केयर अगर आई है लिखेंगे तो ये ठीक होगा दरवाजे गलत होगा अब ये क्यों गलत है क्योंकि ये एक स्केलर है एप्सल ऑन आई स्केयर स्केलर है तो इसका आंसर कभी वेक्टर नहीं हो सकता मैट्रिक्स नहीं हो सकता सेकेंड इज रॉन्ग बिकॉज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ स्केलर कैन नॉट बी इक्वल टू वेक्टर यहाँ पे आपने क्या शो किया ये स्केलर प्रोडक्ट है क्योंकि देखे ना स्केयर है यहाँ पे फॉर एक्जाम्पल कोई वैल्यू लिखी है उसका आप स्केयर करें तो वो स्केलर जस्ट एक सिंगल क्वांटिटी आएगी तो सिंगल क्वांटिटी की एक्सपेक्टेशन कभी भी वैक्टर नहीं आ सकती इसलिए यहाँ स्केलर आना चाहिए अगर यही रोल आप चेंज कर दें इधर सिग्मा कैर लिख दें और इधर सिग्मा सिग्मेंस आई लिख दें तो ये स्टेटमेंट्स दोनों ठीक हो जाएंगी लेकिन जैसे ये लिखा है ये दोनों गलत हैं और ये वो मिसकसपशन स्टूडेंट को बहुत पूरा इकोनॉमिक पढ़ने के बाद भी शायद क्लियर नहीं होती तो ये आपने याद रखना है एप्सनॉन इंटू एप्सलॉन ट्रांसपोज अगर राइट right साइड पे बाद में एप्सलॉन ट्रांसपोज आएगा तो ये वेक्टर क्वांटिटी है और अगर आगे जाके आप देखेंगे इस क्वांटिटी को आप एप्सलॉन ट्रांसपोज इंटू एप्सलॉन भी लिखते हैं अगर आप ट्रांसपोज पहले मल्टीप्लाई करेंगे और वेक्टर जो है ये बाद में रखेंगे तो आप देखेंगे कि ये एक आ, स्केलर क्वांटिटी आएगी स्केलर कैसे आएगी मैं यहीं से आपको एग्जांपल दे देती हूँ अभी यहां पे आपने लिखा है एप्सलॉन इन टू ट्रांसपोज अगर मैं इसको एप्सलॉन ट्रांसपोज इन एप्सलॉन कर दूं तो मीन्स कि ये वाली चीज को अगर आप अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाए तो आपके पास क्या बनेगा वन क्रॉस एन और दूसरा एप्सलॉन किसका बनेगा एन क्रॉस वन तो एन एन ऑर्डर कंपेटेबल है ये मल्टीप्लीकेशन हो सकती है एंड्स पे क्या आएगा वन और वन तो मैंने आपको कहा था कि जो फाइनल मल्टीप्लिकेशन के बाद आंसर आएगा, वो वन क्रॉस वन मैट्रन क्रॉस वन आपको पता करते है तो वो एक स्केलर आंसर आता है जबकि एप्सुलंटू एप्सिलॉन ट्रांसपोज करेंगे तो वो एक वैक्टर आएगा ये एन क्रॉस एन बनेगा और अगर इसको मैं यहां उठा के मल्टीप्लाई कर दू तो ये वन क्रॉस वन मीन्स एक सिंगल क्वान्टिटी आएगी ठीक हो गया Uh, ये कॉन्सर्ट भी आगे बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे इसलिए बी केयरफुल की ये गलती नहीं करनी फोर्थ वही मॉडल इज करेक्टली स्पेसिफाइड और करेक्टली स्पेसिफाइड की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि इ वेरिएबल इंक्लूड ना हो और रेलिवेंट इग्नोर नहीं होना चाहिए uh, और यही एक्जम्पन्स आप एम एल ई की जब आप लेंगे मैट्रिक्स एक्स कंटेन्स द वैल्यूज ऑफ फिक्सड वेरिएबल्स एक्स इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स और फुल रैंक मैट्रिक्स और वेक्टर के लिए ये वाली चीज़ें मॉडल इज करेक्टली स्पेसिफाइड और फिफ्थ एक्स में जो इंक्लूड हो जाएगी कैस फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है आप यहाँ पे आई आई लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि जब आप मैट्रिक्स या वैक्टर को शो कर रहे होते हैं तो ये जो आपने आई यहाँ पे आपने ये शो की है अपनी मैट्रिक्स शो की है यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स उससे पता चल जाएगा कि ये इंडिपेंडेंट भी हैं और आइडेंटिकल भी हैं इसलिए so, यहाँ एन आ, एन आई आई शो करने की जरूरत नहीं है आई होप सो बिल्कुल छोटा सा टॉपिक था लेकिन मैंने इसको बहुत ज़्यादा इसलिए एक्सप्लेन किया क्योंकि यही टॉपिक आपकी बेस बनना था और यही आगे जाके चीज़ें आ, यूज होंगी इसलिए इस लेक्चर को बहुत केयरफुली सुने छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें क्रैम करने की जरूरत नहीं है लेकिन ये कॉन्सेप्ट्स अगर आपको अच्छे से पता होंगे तभी नेक्स्ट लेक्चर में आपको बहुत आसानी होगी ओके बेटा दैट्स अनफ फॉर टुडे अलग